नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। राज्यपाल रमन डी का शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई, साथ ही उन्होंने वहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी भेंट की। प्रदेश की आंगनबाड़ियों में सप्लाई होने वाला रेडी टू ईट की कमान जल्द स्वसहायता महिला समूह के हाथों में आ सकती है। प्रदेश के स्वसहायता समूह की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। कोरिया दौरे में पहुंची महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में रेडी टू ईट की सप्लाई का राज्य कृषि बीज विकास निगम को दे दिया गया था, जिससे हजारों की संख्या में स्व सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार से वंचित हुई थी। पूर्ववर्ती सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी, तो हम सब यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी महिलाओं के प्रति लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रेडी टू ईट के माध्यम से सप्लाई किया जाता था, दिया गया था, और उनका रोजगार छीना गया कांग्रेस की सरकार में, तो उसको हमारे घोषणा पत्र के आधार पर हमने कहा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो पुनः स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा। और सरकार बने ज्यादा दिन हुए भी नहीं है और इस पे विचार कर रहे हैं, बहुत जल्द स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डेरिवेटिव का काम दिया जाएगा। किस तरह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार की दोपहर राजधानी रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। विधानसभा में विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर स्थगन लाया था, फिर भी कानून व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं आया। श्री बघेल ने ये भी कहा कि प्रदेश में आदिवासियों की गिरफ्तारी की जा रही है, मंत्रियों के परिजनों का वीडियो वायरल हो रहा है, रेत शराब माफिया को लेकर बीजेपी नेताओं के बीच झगड़ा भी चल रहा है, बीजेपी नेताओं को ही पीट दिया जा रहा है, हमारे काफिले को रोककर गुंडागर्दी की गई, एसपी और थानेदार भी गुंडों से डरते हैं। श्री बघेल ने यह भी कहा कि भिलाई के स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में एसपी ने कह तक डाला कि जांच हो गई और मामला दबा दिया गया। पास्को के अंतर्गत सबसे पहले FIR दर्ज करनी होती है, उसके बाद जांच होती है। FIR ही दर्ज नहीं की गई, मेडिकल रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट में जख्म की पुष्टि भी हुई है। मामला सरकार की जानकारी में है, फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस मामले में विधानसभा में भी हम लोगों ने 2 दिन तक के स्थगन लाया था, उसके बाद भी लगातार स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक तरफ आदिवासियों को नक्सली बता के इनकाउंटर किया जा रहा है, तो दूसरे तरफ मंत्री के जेठ कि किस प्रकार से दादागिरी हो रही है, पूरे सारे सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं, मीडिया में भी वो बात आ रही है। तीसरे तरफ आप रायगढ़ में देख लिए कि एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, हमारे प्रतिनिधि मंडल वहां जाते हैं, उनसे मिलने तक नहीं दिया जाता। तो वहीं जो रेत माफिया है, शराब माफिया है, अब तो राजनांदगांव में अवैध शराब के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो वहीं रायपुर से नजदीक ग्राम दोंदे में शराब माफिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी पीटा गया, वो न्याय के गुहार लगाने के लिए अनेक जगह गए और नहीं कहीं उसे उम्मीद आश्वासन नहीं मिला, उन्होंने आत्मकर ली। संतोष पटेल नाम का व्यक्ति आज उसका दसगात है, आज या कल है। उसी प्रकार से आप देखेंगे हमारे दुर्ग जिले में किस प्रकार से मुझे जेठ सुरक्षा प्राप्त है और भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बजरंग दल के गुंडे बिना कोई सूचना के, बिना कोई कारण के मुझे रास्ता रोक लेते हैं। मतलब उनकी दुस्साहस इतनी बढ़ गई, हम किसी भी रोक सकते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि एसपी और
थानेदार भी उन गुंडों से डरते हैं, इसलिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। राजधानी में है कितने चाकूबाजी हो रही है, गोली चल रही है, इसके बारे में आप सबको पता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुख्य विषय आज से लगभग 2 महीना पहले डीपीएस में डीपीएस भिलाई, डीपीएस कहने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दिल्ली पब्लिक स्कूल है, ये स्कूल भिलाई स्टील प्लांट के मैनेजमेंट के द्वारा संचालित है। पूरा इसका मैनेजमेंट भिलाई स्टील प्लांट की देख रेख में होता है। इसके जो चेयरमैन है वो भिलाई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी वो उसके हैं, और भिलाई के जो प्रमुख आला अफसर उसके सदस्य हैं। सीबीएसई कोर्स है, और सीबीएसई कोर्स जहां संचालित है तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता या उसे एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता। उम्र होने के बाद यदि वो नेशनल अवार्डी ना हो, लेकिन वहां जो प्रिंसिपल है उसको एक्सटेंशन दिया गया है भिलाई मैनेजमेंट के द्वारा बिना कोई राहता के दिया गया है। मिस्टर प्रशांत वशिष्ठ उसको एक्सटेंशन मिला हुआ है। वहां की घटना है, वैसे कई बार वहां उस डीपीएस स्कूल में अनेक घटनाएं दबी जुबान सुनाई पड़ती है, लेकिन 5 जुलाई की जो घटना घटी उस घटना में ये 4 साल के अबोध बालिका के स्वास्थ्य खराब होता है, और उसके बाद उसके डॉक्टरी जांच की जाती है तो उसमें पाया जाता है कि उस लिखा हुआ है कि इसके प्राइवेट पार्ट में जख्म है, वो ठीक नहीं होता। और 15 दिन बाद 20 तारीख को बीएम शाह हॉस्पिटल में भी उसकी जांच होती है। ये बात धीरे धीरे पालकों के बीच में पहुंचती है तो 2 अगस्त को पूरे पालक वहां जाते हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, वहां पालक लोग प्रिंसिपल को घेर लेते हैं, और प्रिंसिपल ने कहा कि मैंने जांच की है और इसमें कोई अपराध नहीं पाया गया है, ये प्रिंसिपल कह रहे हैं। दूसरी तरफ जब बात, चूंकि एसपी के 2 बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो भी उसे सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि मैंने जांच की लेकिन कोई गलत नहीं पाया गया। और इस प्रकार की जो घटना है, घटना के मैं सोशल मीडिया के साथियों को और प्रिंट मीडिया के साथियों ने इसे लगातार उठाया, और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जब ये माध्यम सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आने के बाद भी एसपी दुर्ग के संज्ञान में आने के बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं करते। पास्को एक्ट में सीधा प्रावधान है इसमें कि आपको पहले एफआईआर रजिस्टर करना है, उसके बाद जांच करना है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। बहुत बेशर्मी के साथ एसपी दुर्ग ये कहते हैं कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, और पालक भी एफआईआर नहीं चाहते। इसका मतलब यह है, कौन ऐसा पालक होगा जिसके बच्चे के साथ इस प्रकार से दुराचार हो, और वो जो अन्यायी है, जो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहेगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वो दबाव में है। इसमें जो आवेदक है वो आवेदन करे या न करे, यदि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में बात आ गई तो सो मोटो उसको एफआईआर लेना था, और बिना एफआईआर के जांच कैसे हो गई। और न केवल पुलिस अधीक्षक ने पालक कैसे से भी कहा, और उसके बाद पुलिस कार्यालय में भी पालकों की बैठक हुई, और उसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसमें इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है। जो
मीडिया में दुष्प्रचार किए हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जो एक अधिकारी, महिला अधिकारी जिन्होंने इसमें त्वरित कार्रवाई करने की बात कही थी, उसे भी दंडित करने की बात उस बैठक में कहा गया। ये सारी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको जानकारी मिली है, वो सारी कॉपी मेरे पास उपलब्ध है। सोशल मीडिया में जितने भी चर्चा हुआ ये सब जानकारी है। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि ये मामला शासन के भी जानकारी में आ चुका है, महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री हैं उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी ज्ञापन देते हैं, उसकी कॉपी भी हमारे पास है कि उसको दिखाया जाता है, दिया जा रहा है। मतलब सरकार के भी जानकारी में, जब एक मंत्री के जानकारी में आ गया तो इसका मतलब यह है कि सरकार के भी जानकारी में है। जब इतने महत्वपूर्ण जो घटना घटी उसके बावजूद भी ये वो कॉपी है, लक्ष्मी राजवाड़े जी की, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को जो ज्ञापन दिया गया वो कॉपी है। और जो उसके बाद उसमें जो सोशल मीडिया में है, जो एसपी के द्वारा जितने भी चैट किया गया जो पालकों के साथ, वो कॉपी भी है, सुशील आनंद जी शुक्ला के पास है। और दूसरी बात यह है कि इसे दो डॉक्टरों ने जांच की और दोनों फाइंडिंग एक है, तो सवाल इस बात का है कि कॉपी अपने पास है, दोनों कॉपी, लेकिन जब इतनी बात हो गई है तो डॉक्टरों के पैनल बना के इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, मेडिकल बोर्ड से जांच क्यों नहीं कराया गया। और एसपी खुद ही सर्टिफिकेट दे दिया, कभी एसपी पालक बन जाता है, कभी वो अधीक्षक बन जाते हैं और कभी वो जज भी बन जाते हैं, उन्होंने फैसला भी दे दिया। और चूंकि शासन के नॉलेज में भी आ चुका है, ये 8 अगस्त की चिट्ठी महिला विकास मंत्री को दिया गया, उसके बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की। आईजी के पास भी कॉपी दिया गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है, उसके बाद भी इसे दबा दिया गया है। जबकि तथा कथित कथावाचक रामगिरी के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में दुर्ग में मुस्लिम समाज ने आक्रोश जताया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की। भारत देश में नफरत फैलाने वाले तथा कथित रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि मुंबई में दिए अपने बयान से विवाद में आए रामगिरी नामक व्यक्ति के अनुचित बयानों के कारण मुस्लिम समाज के पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी व अपमानजनक बात कहने पर समाज के लोगों ने जमकर आक्रोश जताया। आगे नहीं बढ़ना है भाई, आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं आना है भाई, आगे नहीं, दायरा रखना है बस, अब इससे आगे नहीं बढ़ना है। इस विवादित बयान के चलते सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के द्वारा जुमे की नमाज के बाद सभी लोग एक साथ एकजुट होकर अपने हाथों में तख्ती और नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम रामगिरी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दुर्ग शहर की सभी मस्जिदों के इमाम सहित समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। दुर्ग पुलिस द्वारा उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक ज्ञापन लिया गया। इस शांतिमय प्रदर्शन के बाद समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंप अपनी बातें कही। इस संबंध में दुर्ग तकिया पारा मस्जिद के इमाम मौलाना मंसूर रजा ने प्रतिक्रिया दी। शहर के मुस्लिम समाज यहाँ पे जमा है, जितने भी मसाजिद हैं तमाम अइमा हैं, मुतवल्लियान किराम हैं और तमाम अवाम हैं, और हम लोग को बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है कि जहाँ पर रहते हैं यहाँ पर कोई शख्स खड़े होकर के अचानक हमारे नबी पैगंबर के बारे में कुछ भी कह जाता है, तो इसलिए हम तकलीफ़ में हैं। इसका आक्रोश जताने के लिए हम प्रशासन के पास आए हैं, इसलिए कि वो रामगिरी नामी एक शख्स जिन्हें नबी की शान में गुस्ताखी की है, तो हमने ये मांग किया है कि जितना जल्दी हो सके उनकी गिरफ्तारी की जाए, ताकि ऐसे लोग अगर छुटे रहेंगे, खुले रहेंगे तो और आगे कुछ बोलेंगे, इससे माहौल ख़राब हो सकता है। तो मुस्लिम समाज ये चाहती है कि हिंदुस्तान के अंदर अमन
चैन कायम यह है, बरकरार रहे, तो इसीलिए हम प्रशासन के पास आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी इस बात को आगे बढ़ाई जाएगी। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियां वही जो हर नारी को सुहाए, जी हां, पूजा अर्चना साड़ियां। भारतीय नारी की पहचान, पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान, पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारे। अधिकृत विक्रेता बर्मीचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। फनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेंड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर एक पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में फनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि फनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब फनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। फनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। फनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। फनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। फनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए फनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। फनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कंगना रनौत की आगामी फिल्म में सिख समाज की छवि धूमिल किए जाने का आरोप लगाते हुए सिख समाज ने दुर्ग कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दुर्ग में रिलीज न होने की बात उन्होंने कही। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। हिमाचल की मंडी सीट से एक्ट्रेस भाजपा सांसद कंगना रनौत की आगामी रिलीज होने जा रही फिल्म इमरजेंसी का दुर्ग जिले के सिख समाज के लोगों ने विरोध किया है। आपको बताना चाहेंगे कि सिख समाज इस फिल्म में सिख समाज की छवि को धूमिल करने का आरोप लगाते हुए इसे दुर्ग की टॉकीजों में प्रसारण नहीं करने का आह्वान किया। कंगना रनौत की ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगाई गई इमरजेंसी पर बनाई गई है जिसमें सिखों को
खालिस्तानी बताया गया है। ये फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होनी है। बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में समाज के लोगों ने विरोध जताया। साथ ही शासन प्रशासन से मांग की कि अगर दुर्ग में फिल्म लगी तो समाज का आक्रोश ज्यादा नजर आएगा। इस दौरान दुर्ग जिले के सिख समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी और SP जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। साथ ही सिख समाज के लोगों ने पुरजोर तरीके से कंगना की निर्देशित फिल्म का विरोध किया। इस संबंध में समाज के लोगों ने प्रतिक्रिया दी। आज ये बहुत हमारे लिए दुर्भाग्य का दिन है कि हम लोग पूरे सिख समाज दुर्ग भिलाई को इकट्ठा होकर यहाँ पे आना पड़ गया और कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को सब ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है। ये ट्रेलर में ही दृश्य नज़र आ गए हैं, तभी हम सरकार को और सभी को सचेत कर रहे हैं ताकि ट्रेलर अगर देखने के बाद ये समझ में आ गया कि सिख समाज के लिए बहुत से एक इसमें सीन ऐसे दर्शाए गए हैं जो कि हमारे सिख समाज के लिए बहुत ख़राब हैं और सिख समाज इसमें उनको बहुत आहत पहुँचेगी और पहुँची है। तो उसके लिए हमने पहले से सरकार को ज्ञापन इसलिए सौंप दिया है कि कल को ये रिलीज़ हो जाए ये पिक्चर, और उसके बाद अगर कुछ घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार सिख समाज नहीं होगा। ये आज हम लोग पूरे समाज की तरफ से आए हैं जो कि एक इमरजेंसी पिक्चर जो रिलीज हो रही है उसके विरोध में, क्यों वो सिख समाज को बदनाम करने के लिए सब चीज़ें बनाई गई है, जो कि कंगना रनौत के एक डायरेक्टर है उसके डायरेक्शन में बनी है, जो कि वो शुरू से ही एक चीज़ एक हमारे समाज को बदनाम करने के लिए लगी है। और उसके लिए हम कलेक्टर साहब से और SP साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पिक्चर जहाँ लगनी नहीं चाहिए, अगर लगेगी तो फिर आप लोग देखिए हम जो कुछ माहौल बिगड़ता है तो सिख समाज जिम्मेदार नहीं है, क्यों हम उसका विरोध करेंगे, कहीं भी लगेगी उसको हम लगने नहीं देंगे। हम लोग YouTube वगैरह में देखे हैं तो उसमें पूरे ही मतलब गलत दिखाया सिख समाज को, जबकि सिख समाज आप लोग सब जानते हो कि कितनी कुर्बानियाँ किए आज़ादी के लिए और आगे के लिए, कोरोना काल में क्या क्या हम लोग मतलब सेवा भावना क्या रहती है वो पूरा समाज जानता, हर समाज जानता है। और अगर ऐसा ये चीज कर रहे हैं सिख समाज को टारगेट करने के लिए तो बहुत गलत है। हाँ जी हाँ जी, वो बहुत समय आने नहीं, वो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जब हमारे वो तो आप लोग भी जानते हो, जो समाज कोई भी समाज है इसमें ऐसा नहीं है कि सिख समाज ही है, ये दूसरे हिंदू समाज के लिए भी कोई है तो उसके लिए हम खड़े रहेंगे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस की पहल से हम सभी को मिलकर नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाकर इस अभियान को सफल बनाने एक युद्ध नशे के विरुद्ध आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने सभी को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग के नगर निगम सभागार में आयोजित किया गया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा संकल्प जागरूकता अभियान पोस्टर का विमोचन भी किया गया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि नशे को जड़ से मिटाने के लिए हम सबको एक होकर कार्य करना होगा। आपके आसपास ऐसे कर रहे हैं उनको शाबाशी दीजिए। जिस दिन आप छोड़ोगे, आपका परिवार का आपका छोटा भाई छोड़ेगा, आपका बच्चा है अगर वो उस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो छोड़ेगा। युद्ध के लिए जो नशे के विरुद्ध है उन्होंने संकल्प लिया है, वो चाहते हैं आप भी संकल्प लें, आप अपने बच्चों को रोके, नशा कर नशा नहीं करती थी आज पार्टियों में ड्रिंक्स ले रही है, एक सभ्य समाज का इसको हिस्सा बनाया जा रहा है, जो एक बुराई थी हमारे भारतीय समाज में उसको आज हम लोग अपनी संस्कृति। वैसे मैं होता नहीं ज्यादातर, तो सभी का मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और अपनी गलती के लिए दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि हमें से टाइम दे लो। यह मंच पे मेरे साथ मेरे सभी साथीगण, चाहे वो अरविंद दिनकर जी हो, सुखनंदन हो, कल्याणी के हो, समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग से लेके नगर निगम कमिश्नर और मेरी सभी लोग और मेरे सामने बैठे सभी
दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के कारण होने वाले अपराधों एवं सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग पुलिस के सभी अधिकारी, नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र सहित अन्य अधिकारीगण तथा ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी व चालक परिचालक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बताना चाहेंगे कि दुर्ग पुलिस द्वारा एक युद्ध नशे के विरुद्ध संकल्प जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया है, जो कि नशे के कारण होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं नशे के कारण हमें क्या नुकसान हो सकता है, इस पर नियंत्रण कैसे रखें, इस हेतु और दुर्ग जिले को नशा मुक्त करने हेतु भी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि दुर्ग पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे इस संकल्प जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, जिसमें प्रशासन, समाज एवं संस्थाओं की भी अपनी अपनी भागीदारी होगी, तभी हम दुर्ग जिले को नशे से मुक्त जिला बना सकते हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे समाज का निर्माण करके दें, ताकि भविष्य में वे इस सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। नशा जो अभी सोसाइटी में एक प्रमुख कारण बना हुआ है कई सारी समस्याओं का, खासकर पुलिस के लिए तो अपराध के जनन में ये एक प्रमुख कारण हमेशा बना रहता है, दिखता रहता है। साथ ही साथ बहुत सारी इसके साथ सामाजिक बुराइयां और चीज़ें आती हैं, तो उससे रिलेटेड ही हमने एक अभियान शुरू किया है नशे के विरुद्ध, जिसको संकल्प नाम दिया है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध। और हमारे प्रयास है कि हम 26 जनवरी तक इस अभियान को हर घर तक ले जाएं और हर घर के आसपास का एरिया जो है उसको नशे से दूर कर सकें। जागरूकता के माध्यम से जो लोग सप्लाई करते हैं, पैडलर्स हैं, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाइयों से, और जो अफेक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं इससे, उनको नशा मुक्ति केंद्रों में उनका इलाज करा के उनको मूलधारा में वापस ला के वो परिवर्तन दिखा के कि कैसे नशा छोड़ने के बाद ज़िंदगी और खूबसूरत रहती है, दिखती है, तो वो प्रयास है हमारा। और इसके जो अभी उसी के तहत आज ये आयोजन किया गया था, और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि ये प्रयास, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला कि पुलिस का नहीं है, सभी का है, आपका भी है, आप भी वो एरिया, वो जगह टच करें जहाँ पे ऐसी चीज़ें, समस्याएं दिख रही हों, वो हमारे संज्ञान में ले आएँ, हम आपके माध्यम से भी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और अपने दुर्ग को नशा मुक्त करने में हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और कोशिश है कि हम इसमें अगले छः महीने में सार्थक परिणाम दे पाएंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्र में चला जा रहा है, ऐसा ही थाना क्षेत्रों में भी हर गांव वाइज जहां पे भी, मतलब जैसे एक थानों में 30 गांव, 40 गांव, 50 गांव आ रहे हैं, तो उनको गांव वाइज हफ्ते में 2 गांव टारगेट देके मतलब करेंगे, और 6-7 महीने के अंदर करीब, जैसे एक महीने में करीब 8-10 गांव हो गए, तो 6 महीने में 60-70 गांव करके, तो सभी थानों में करीब 50-60 गांव के आसपास है, हम सभी गांव को टच करेंगे, तो प्रयास है कि हम इसको सभी गांव तक ले जाएं। दुर्ग शहर और दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए आज एक समेकित रूप से आम जनता के कार्यक्रम को, इसको समेकित रूप में सहभागिता बनाते हुए एक संकल्प, एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और जिसमें सभी प्रबुद्ध जनों को बुलाया गया था, और इसको सामाजिक रूप के से इसको लड़ने की तैयारी है, स्वयं से इसको शुरू करके अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्प लेने के लिए एक शपथ भी दिलाया गया है, और दुर्ग शहर को, दुर्ग जिले को नशे मुक्त बनाने के लिए इस संकल्प में हम सब सहभागी बनने जा रहे हैं, और सबकी साझेदारी इसमें बनाने के लिए हम जिला प्रशासन की ओर से अपील करते हैं कि सभी वर्ग इसमें जुड़कर दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाए। धन्यवाद। तो दुर्ग शहर में युवाओं को अभी जो नशे में देखा जा रहा है, सामाजिक में कुरीतियां बढ़ रही हैं, सभी प्रकार के अपराधों के पीछे नशा को ही मूल जड़ पाया जा रहा है, इसमें माता पिताओं को भी घरों से निकालने की बात हो रही है, और वृद्धाश्रम की भी आवश्यकता पड़ रही है,
तो बहुत तरीके से इसके सामाजिक दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। इस कारण जो है इस अभियान की जरूरत पड़ रही है, और ये प्रशासन का अभियान नहीं है, सबकी सहभागिता से ये दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने का अभियान। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग ग्रामीण विधायक चंद्राकर ने ग्राम उतई में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होकर समाज के लोगों को बधाइयां दी। साथ ही कहा कि यादव समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, समाज के लोग गौरवशाली परंपरा को आज भी संजोए हुए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने ग्रामोदय में आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होकर समाज के लोगों को बधाई दी। साथ ही कहा कि यादव समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, समाज के लोग गौरवशाली परंपरा को आज भी संजोए हुए हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ग्रामों जैसे उतई, कोसरिया समाज, रिसाली, दशहरा मैदान, नवयुवक गणेश उत्सव समिति, रुआ बांधा, राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर शामिल हुए और भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों के सुख शांति और खुशहाली की कामना दिल से की। इस अवसर पर संबोधन में विधायक ललित चंद्राकर ने समाज के सदस्यों को जन्माष्टमी पर्व की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण यादव समाज के आराध्य हैं। समाज द्वारा आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सुंदर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों में हम दर्शन करते हैं, उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा उद्देश्य सभी समाजों को बढ़ावा देना है, प्रदेश के निर्माण में सभी समाजों की भागीदारी हो। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी में जूनियर विंग में बच्चों के लिए वेजिटेबल शॉपिंग एक्टिविटी का आयोजन किया गया, जिसमें पीजी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चों ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। माइलस्टोन की डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला बच्चों को हर क्षेत्र में जागरूक करने का प्रयास समय समय पर विद्यालय में विशेष कार्यक्रम के तहत करवाती रहती है। उसी प्रकार के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीजी, एलकेजी और यूकेजी के बच्चे अपने अपने घरों से पैसे और थैला लेकर विद्यालय पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को ये समझाया गया कि हमें पॉलीथीन बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे वातावरण प्रदूषित होता है। इसी बात का स्मरण करके बच्चे सूती थैले लेकर यहाँ पहुँचे और सब्जियाँ खरीदी। अपने हाथ से पैसा लेकर सब्जी खरीदने का बच्चों का उत्साह अलग ही नजर आया। अपनी मनपसंद सब्जी लेकर बच्चे थैला घुमाकर बहुत खुश नजर आए। इस कार्यक्रम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने मिला। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, agar aap chahte hain ki aap 12th ke baad science mein aapke bhavishya banana chahte hain to Shankaracharya Professional University mein ek baar zarur aaye. Pharmacy course mein abhi direct admission 12th ke percent basis pe diya ja raha hai, to jald se jald sampark kare. तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आतंक का पर्याय बन चुके दुर्दांत नक्सली लीडर विकास उर्फ सैनू मुंशी जेट्टी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए नक्सली लीडर पर छत्तीसगढ़ में 8 लाख रुपए और महाराष्ट्र सरकार की ओर से 16 लाख का इनाम घोषित था। इस तरह पकड़ा गया नक्सली लीडर विकास उर्फ सैनू मुंशी जेट्टी कुल 24 लाख का इनामी है। सुरक्षा बलों ने भैरमगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटपल्ली गांव के पास एक जंगल से उसे गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 13 बटालियन और स्थानीय पुलिस ने उसे उस समय हिरासत में लिया जब उसे इलाज के लिए जगदलपुर शहर के एक अस्पताल में ले जाया जा रहा था। विकास उर्फ सैनी जेट्टी नक्सलियों के दक्षिण गढ़चिरौली डिवीजन के अहेरी दलम के DVSC के पद पर रहकर माओवादी वारदातों में सक्रिय था। गिरफ्तार नक्सली नेता छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तेलंगाना राज्य में लगातार माओवादी घटनाओं को अंजाम भी दे रहा था। बीजापुर पुलिस को दक्षिण गढ़चिरौली अहेरी दलम के DVCM विकास उर्फ सैनी मुंशी जेट्टी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना में लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम देता रहा है। बीमार होने से वह फरसेगढ़ थाना क्षेत्र से मूव कर रहा था, जिससे पुलिस को सूचना प्राप्त होने पर उसे गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र शासन द्वारा 16 लाख रुपये एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 8 लाख रुपये का इनाम उसके विरुद्ध घोषित किया गया है। पिछले दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा हुए लाठीचार्ज व कार्रवाई से नाराज कांग्रेसियों ने दुर्ग के पटेल चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान जलते पुतले को लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच छीना झपटी देखी गई। पिछले दिनों कांग्रेसियों द्वारा भिलाई 3 थाना घेराव के दौरान लगभग 150 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया था। साथ ही कई कांग्रेसियों पर कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज भी कराई गई। इसके विरोध में दुर्ग के पटेल चौक पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के निर्देशानुसार कांग्रेसियों द्वारा मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गया पटेल ने कहा, उन्होंने कहा कि भाजपा शासन आने के बाद किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। इसे छुपाने के लिए लगातार कांग्रेसियों पर कार्रवाई कर ध्यान भटकाया जा रहा है। भाजपा द्वारा किया गया कार्य अशोभनीय है, इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। हम यहाँ पर राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को भंग कर निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश अनुसार जिस प्रकार 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर में जो आरोप लगाया है, जो धाराएं लगाई है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पता चलता है कि भाजपा सरकार किस उद्देश्य में आ चुकी है, क्योंकि 8 माह हो चुके हैं शासन में आए बैठे, लेकिन किसी प्रकार की जनता के लिए कुछ कार्य नहीं कर रही है। इसी को छुपाने के लिए कांग्रेसियों के ऊपर में कुछ ना कुछ ऐसे धारा कानून के संरक्षण लेकर कांग्रेसियों के ऊपर में ये गलत काम कर रही है। दिग्गज नेताओं इसलिए नहीं है क्योंकि उनका कुछ कारण था, रायपुर में मीटिंग भी चल रही है। दूसरा चीज़, हमारे जो बड़े नेता हैं उनका भी कुछ कार्यक्रम के वजह से वो समय पर नहीं आ पाए हैं, क्योंकि समय एकदम सुनिश्चित और एकदम जल्दी उसमें हुआ, इस वजह से नहीं आ पाई है। ये जो लाठीचार्ज हुआ है, आप पूरा वीडियो देखेंगे कि लाठी किसने चलाया है और दौड़े और मार किसने खाया है, पूरा वीडियो दिखा रहा है और ऊपर आरोप लगता है 150 कार्यकर्ताओं के ऊपर में, ये सरासर गलत है। एक दिन पूर्व उस पर कार्रवाई जो वीडियो के है वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, चलते रहना चाहिए, ये संविधान का वो है, कानून हक है और उनको भी मिलना चाहिए हक और हमें भी मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था और ये अभी संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, कार्रवाई हुआ है ना। जब भूपेश बघेल की सरकार जब 5 साल थी, किसी के ऊपर लाठी डंडा कभी नहीं बरसा है। तो BJP सरकार आई है, जब से 8 महीने से हम लोग सब देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चार्ज और केस दर्ज करवा रहा है, झूठा केस दर्ज करवा के अंदर करा रहे हैं। बहुत ही गलत बातें हैं इसका। कांग्रेस पार्टी उनका खुल के विरोध कर रही है। आज हम लोग आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए यहाँ पर आज, है ना। अगर इस तरह से अगर होती रहेगी घटना तो पुतला दहन करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
प्रदेश की कन्याओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने के उद्देश्य को लेकर सरस्वती साइकिल योजना के तहत दुर्ग ग्रामीण विधायक ने 53 छात्राओं को साइकिल वितरण किया। इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर खुशी झलकती नजर आई। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा शिक्षा को आगे बढ़ाने के साथ ही प्रदेश की कन्याओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूलों में छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के द्वारा सरस्वती साइकिल योजना के तहत दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निकुम दाऊपुरमी स्वर्गीय प्यारेलाल बेलचंदन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरगा में नौवीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल का वितरण किया गया। प्रेरित चरण को लगाने का और साथ में आप सभी बच्चों का आप सभी हमारे यहाँ जो पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक आप मन के समय बचे और आप मन आने वाला जो पढ़ाई आप मन और अच्छा से कर सको आप मन और अच्छा ध्यान से कर सको ये सब लचीला ध्यान में रखते हुए ये सरस्वती साइकिल। इस दौरान बच्चों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनी। शुभकामनाएं प्रदान करते हुए दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि राज्य शासन की महती योजना अंतर्गत निशुल्क साइकिल वितरण से बालिकाएं अब अधिक आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता उत्साह के साथ स्कूल आना जाना कर सकेगी। बच्चों को मन लगाकर अध्ययन करने तथा शासन द्वारा स्कूलों में दिए जाने वाले विभिन्न सुविधाओं का लाभ लेते हुए अपने उज्ज्वल भविष्य निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान किए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।